रविवार को नौजेल में किसान नेता रामबाबू सिंह कटेलिया ने मोरकी प्रांगण में होने वाली महापंचायत को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सर्वदलीय किसान संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी गिरिराज प्रसाद वशिष्ठ मुख्य रूप से मौजूद रहे। नौझील में रविवार को सर्वदलीय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी रामबाबू सिंह कटेलिया ने 16 जनवरी को होने वाली महापंचायत को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस प्रेस वार्ता में सर्वदलीय किसान संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी गिरिराज प्रसाद वशिष्ठ सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान किसान बचाओ, गाय बचाओ, प्रदेश बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ सर्वदलीय संघर्ष समिति महापंचायत करने जा रही है, जिस महापंचायत में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। यदि महापंचायत में 5 सूत्रीय मांगों का हल नहीं निकला तो सर्वदलीय किसान संघर्ष समिति यमुना एक्सप्रेसवे पर 17 जनवरी को बाइक रैली निकालेगी और 18 जनवरी को यमुना एक्सप्रेसवे पर शांति मार्च निकाला जाएगा, जिससे प्रशासन ही नहीं राज्य सरकार को 5 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने के लिए अपनी ताकत दिखाई जाएगी। हमारा कार्यक्रम ये है, सबसे बड़ी समय जरूर समस्या हमारे सामने किसानों के सामने ये है कि गाय और गोवंश की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो रही है। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा तो हमारा ये है, और मुद्दे भी हैं तो हमारा देश है गाय बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ, प्रदेश बचाओ। चूँकि और उनको हमारी गाय का उद्देश्य ये है गाय को सुरक्षित जगह मिले, हमारे किसानों की फसल बच जाए। तो हमने ये उनसे कहा है कि भाई आप जो है गाँव गाँव में गौशाला खोलिए, गौशाला खोलने की हमने मांग की है, ये हमारी ग्राम पंचायत सब में है। दूसरी समस्या यह है सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार इस समय जो है इसमें जो प्रशासन लेवल पर इतना चरम पर है जिसको सीमा नहीं है, ऊपर शायद न हो लेकिन इस लेवल पर ये लोग जो है इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि जो पहले पुलिस में जाओ तो वहाँ जब बिना पैसे काम ही चलता है, कोई भी मेम्बर पैसे में जाओ। तीसरी बात यह है कि हमारे जो किसानों की उपज का मूल्य है, सरकार ने ये घोषित कर दिया कि किसान का हम 1.5 गुना मूल्य लागत देंगे, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी की। उसमें गड़बड़ी ये की उसमें जो किसान खुद खेती की का कीमत, खेती की जमीन का किराया और किसान की मजदूरी जोड़ी जी। भाई जमीन का किराया भी तो होता है और किसान की मजदूरी जो परिवार का होता है उसकी मजदूरी जोड़ी, तो उसको ला दिया। चलो हमने वो भी मान लिया कि उन्होंने 1.5 गुना हमारी मान ली, लेकिन जब वो उसका फायदा क्या हुआ जब उसका उचित मूल्य हमको नहीं मिलता है, ये समस्या है ना। सबसे बड़ी ये है हाँ, और भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा पर है जी। पूरी प्रदेश कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है और इसमें हमने पहले भी मांग रखी थी तो उन्होंने उनके आश्वासन पर SDM और इनके आश्वासन पर हम खत्म कर दी थी। उन्होंने ज्ञापन दिया तो उन्होंने ये कहा था हमसे कि हम आपके प्रतिनिधिमंडल को DM से मुलाकात करवाएंगे और सभी अधिकारी रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे जी। उसके करने के बाद न DM CEO ने कोई आश्वासन दिया न अब तक उनसे हमारी समस्याओं के बारे में मुलाकात कराई। आगामी क्या रणनीति है? आगामी रणनीति हमारी ये है, हमारा कार्यक्रम सदा शांतिपूर्ण रहा है, आपने भी देखा होगा, सब लोग जानते हैं। पहले हमारी कार्यक्रम हमारी महापंचायत करेंगे 16 तारीख को मोरकी पर जी, और उसमें भी समाधान नहीं होता है तो दूसरा अगले दिन हमारा कार्यक्रम है बाजनाकर से लेके उधर जेवर तक हमारी मोटरसाइकिल रैली होगी शांतिपूर्ण ढंग से जी, और तीसरे दिन हमारा ये जब भी नहीं होता है तो उसके बाद हमारी रैली पैदल मार्च हम करेंगे, शांत मार्च करेंगे यमुना एक्सप्रेस वे पर। ये सब कार्यक्रम यमुना एक्सप्रेस वे पर है, हम उसमें कोई मतलब ये नहीं करेंगे, हमारी शांतिपूर्ण मार्च होगा इसमें कुछ ये हमारा कार्यक्रम है। और भी बहुत सी समस्याएं भ्रष्टाचार की बहुत सी समस्याएं जो भी हमारे सामने आएंगी। और दूसरे हमारे क्षेत्र में ये देखिए अब वो बसों का चलन बंद कर दिया, हमारा सबसे दूर पे जो ब्लॉक है और बसों में रोडवेज की बस हर साल ये तमाशा होता है कि वो बसें जो है बंद कर देते प्राइवेट के, तो भाई समस्या का समाधान करें तो 2 रास्ते होते हुए भी बसें कोई नहीं मिल रही है, मैं वहाँ खड़ा 1 घंटे खड़ा रहा तब जाके हम एक्सप्रेस वे हो गया है।